हाँ जी, तो कैसे हो आप सब दोस्तों। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो पे एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई आप लोगों की फेवरेट डॉग ब्रीड कौन सी है। तो उसमें कमेंट्स मैंने देखे तो काफी लोगों ने उल्टा वही सेम क्वेश्चन मुझसे कर रखा था कि अरे मंजी अपनी फेवरेट डॉग ब्रीड तो बताओ कि तुम्हारी फेवरेट डॉग ब्रीड कौन सी है। तो भाई जो लोग न्यू मुझसे जुड़े हैं ना, शायद उन्हें तो नहीं पता होगा, पर जो कुछ टाइम पहले से मेरे साथ हैं उन्हें अच्छे से पता है कि मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड है और भाई वही मेरी फेवरेट डॉग ब्रीड है, क्योंकि भाई उसके आने से मेरी लाइफ में काफी कुछ चेंज हो गया। तो अगर आप लोग भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग इस जर्मन शेफर्ड को परचेज कर सकते हो, जो कि एक काफी अच्छी क्वालिटी की ब्लैक फीमेल है। तो भाई जर्मन शेफर्ड में जो ब्लैक कलर होता है ये काफी रेयर तो है ही, साथ में आप लोगों को इसके लिए थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि इनका प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। वैसे ये जो फीमेल है ना भाई, उन्होंने मुझे बताया कि लॉन्ग कोट में है एंड क्वालिटी आप लोगों को दिख ही रही है, जो कि फैंटेबलस है। वैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने एना की बच्ची की भी एक वीडियो डाली थी, शायद आप लोगों को याद होगा, और वो जो फीमेल थी वो भी इन्हीं ओनर के पास थी। तो फ्रेंड्स, ये जो जर्मन शेफर्ड फीमेल है ये 4 मंथ्स की हो चुकी है और काफी एक्टिव फीमेल है, और उन्होंने इसकी सभी वैक्सीनेशन भी कंप्लीट करा रखे हैं एंड कार्ड वगैरह भी साथ में मिल जाएगा। बाय द वे गाइस, आप लोग जर्मन शेफर्ड तो परचेज कर रहे हो, बट क्या आप लोगों को पता है कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है और जर्मन शेफर्ड का टेम्परामेंट कैसा है? क्योंकि डॉग्स आप लोगों को दो अलग अलग कैटेगरीज में देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक है फैमिली डॉग ब्रीड और सेकंड है गार्ड डॉग ब्रीड। वैसे इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, बट फिलहाल मैं इन दो कैटेगरी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो जो जर्मन शेफर्ड है ना, ये गार्ड डॉग्स की कैटेगरी में आते हैं, ना कि फैमिली डॉग्स ब्रीड की में। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि आपके पास जो डॉग है वो आप लोगों को अच्छे से प्रोटेक्ट करे, जो स्ट्रेंजर्स आए उनके ऊपर बात करे, और भाई जो गली में वाइल्ड एलिमेंट्स है उनको भी भगा दे, तो आप लोग बेफिक्र होकर जर्मन शेफर्ड के लिए जा सकते हैं। तो जर्मन शेफर्ड में आप लोगों को बहुत सारी क्वालिटीज देखने को मिल जाएंगे और आप लोग इन्हें आसानी से ट्रेन भी कर सकते हो, और वो भी बहुत सारी चीजों के लिए। तो अगर आप लोग इस स्मार्टेस्ट डॉग ब्रीड को परचेज करना चाहते हो तो भाई आप लोगों को बता दूं कि ओनर की जो लोकेशन है वो है कापासेडा बॉर्डर दिल्ली NCR से। और हाँ गाइस, ब्लैक जर्मन शेफर्ड में आप लोगों को लॉन्ग कोट काफी कम देखने को मिलता है, अगर मिलता भी है तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि भाई अभी रिसेंटली मैंने कुछ पपीज डाले थे तो उनका प्राइस 70-80,000 पीस के आसपास था। बाकी इस फीमेल के पेरेंट्स की फोटो वीडियोस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो जब आप लोग इसे परचेज करो ना तो उनके बारे में अच्छे से कंफर्म कर लें, और पॉसिबल हो तो उनकी फोटो वीडियोस भी जरूर देख लें, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि बड़ी होके ये फीमेल कैसी बनेगी। बाकी गाइस, डिलीवरी के बारे में उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कि वो प्रोवाइड करा पाएंगे या फिर नहीं, तो ये तो आप लोग डिस्कस कर ही लोगे, या फिर मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि डायरेक्ट ओनर को विजिट करें, हर एक चीज को अच्छे से क्लियर करें और बाद में इसे परचेज करें, जो कि सबसे बेस्ट रहता है। एनीवेज, फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो भाई ब्लैक जर्मन शेफर्ड एक फीमेल है और उन्होंने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो के 22,000 पीस यानी 22,000 रुपए। लेकिन दोस्तों प्राइस फिक्स नहीं है, प्राइस में आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हो। तो आप में से जिस मेरे भाई को भी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करें, और हाँ चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय।